अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ एक्सरसाइज नंबर है बेटा आज 1.3। इसकी बेटा जो एग्जांपल नंबर 6 और 7 दी गई है बुक पे वो है सॉल्व, वो आप लोगों ने खुद करनी है जिस तरह मैं ये क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको पता है सबसे पहले हमने जो एक्सरसाइज की थी उसमें हमने एज दो वैल्यूज दी हुई थी, हमें डिजिट्स दिए हुए थे या कोई भी वैल्यू मिलियन में दी हुई थी या ट्रिलियन में थी या बिलियन में थी, उनको हमने क्या करना था, ऐड करना था। अब सेम वैसी ही वैल्यूज हैं, उन्हें सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि इस वैल्यू में से इस वैल्यू को क्या करना है, निकालना है, ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब 7 में से हम 5 को निकालते हैं तो आंसर कितना बचता है हमारे पास, 2। और यहाँ पे हमारे पास 0 है तो 0 में से हम 1 तो नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करते हैं कि इसके हमसाए से, यानी कि जो हमारे पास जो 9 खड़ा है इससे आगे वाला डिजिट, उससे हम एक ले लेते हैं इस तरफ, यानी कि अपनी तरफ इसके साथ एक मिला लेते हैं 0 के साथ। जब यहाँ पे वो 1 आ जाएगा, इस जगह पे आएगा, तो ये कितने बन जाएंगे बेटा, 10। तो 10 में से 1 जाएगा तो आंसर क्या बच गया, 9। अब यहाँ से हमने एक निकाल लिया था, बाकी कितने बचे थे, 8। और 8 में से 0 निकाले तो आंसर 8 ही आएगा। अब फिर यहाँ पे देखें बेटा, ये 4 है और ये 5 है, और 4 में से 5 तो जा नहीं सकता, इसलिए फिर हम यहाँ से फिर एक इस तरफ लेंगे, एक हासिल। जब इसमें से एक हासिल लेंगे, इसके साथ आएगा तो क्या बन जाएगा, 14। 14 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 14 सब्ट्रैक्ट 5, तो आंसर क्या आ गया, 9। अब यहाँ पे बेटा देखें, फिर 1 बच गया क्योंकि 1 तो हमने इधर ले लिया था। अब इसे यहाँ 4 में से हम एक 1 फिर इस तरफ लेंगे तो फिर क्या बन गया, यहाँ पे एक तो इधर पहले चला गया था, एक और ले लिया तो यहाँ पे बन गया 11। कितना बच गया यहाँ पे, 11। तो 11 में से 2 फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ गया, 9। अब यहाँ पर पहले 4 थे तो हमने एक इस तरफ ले लिया था, अब यहाँ पे बच गए हैं 3, तो 3 में से 3 यानी 3 - 3 आंसर 0, और 6 का वैसे 6 आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सेम उसी तरीके से कि 8 में से हम 5 निकालेंगे तो आंसर कितना बच गया, 3। फिर 9 में से 0 निकाले तो 9 का 9 आ गया। अब यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 8, 1 में से 8 तो निकलेगा नहीं, यहाँ से हम एक इस तरफ लेंगे हासिल। जब हमने एक इस तरफ लिया तो यहाँ 1 और इसके साथ 1 मिला तो ये क्या बन गया, 11। 11 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या बच गया, 3, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे बच गया 7, एक तो हमने इधर ले लिया था, अब 7 बजे तो 7 में से 6 गया, यानी कि 7 - 6 तो आंसर 1। अब यहाँ पे है 0 और यहाँ पे है 1, 0 में से 1 तो निकल नहीं सकता, हम इस साइड से एक लेंगे हासिल। यहाँ से हमने एक लिया इस तरफ तो ये बन गया 10, 10 - 1 आंसर 9, ठीक है बेटा। उसके बाद हमने यहाँ से एक इधर ले लिया था, अब यहाँ पे कितने बच गए, 6। अब 6 में से 8 तो जा नहीं सकते, हम यहाँ से फिर एक ले लेंगे 1, फिर हासिल लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 16, यानी 16, और 16 में से 8 गया, 16 - 8 तो आंसर क्या आ गया, 8। उसके बाद यहाँ पे कितने बच गया बेटा, बाकी 6, क्योंकि यहाँ से हमने एक राइट हैंड साइड पे ले लिया था। अब यहाँ पे एक बचा है तो एक 6 - 4 करेंगे तो आंसर बच गया 2, और यहाँ पे 5 का 5 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर तो 0 0 है और 2 का 2, ठीक है बेटा। तो ये है 252,891,393, ठीक है बेटा, ये हो गया आंसर नंबर 6। तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन 1 और 6 मैंने आपको करवाए हैं, और क्वेश्चन बाकी जितने भी हैं 2, 3, 4, 5 और आगे 7, 8 और 9, ये सेम इसी तरीके से करने हैं, ये आप लोगों ने खुद करने हैं। दो एग्जाम्पल जो एक्सरसाइज पीछे दी हुई हैं, दो एग्जाम्पल आप लोगों ने खुद करनी है, और उसके बाद बेटा इसके बाकी जो क्वेश्चन है 1 - 9 ये आप लोगों ने बाकी खुद करने हैं, ठीक है बेटा। कल आपको क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करूंगा, ओके बेटा। अगर समझ नहीं आई तो आप इसे दोबारा यूट्यूब चैनल से भी देख सकते हैं और वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, ओके बेटा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।